शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रिहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह इज़्ज़त के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम अलमकुमर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नुशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ़ ये खौफनाक कहानी हामिद शेयर कर रहे हैं हामिद कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और मैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से पंद्रह साल पहले की बात है उस वक्त मुझे सऊदी अरेबिया गए हुए तकरीबन तो तीन चार साल हो गए थे तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो अभी मैं वहीं पर था तो मेरे कज़न की डेथ होगी बिल्कुल यंग था वो और उसकी शादी में एक माह रह गया था उससे पहले उसकी डेथ हो गई जब मैं पाकिस्तान वापस आया वो लोग बेसिकली पंजाब से थे तो मैं उधर जाना चाहता था उनके घर वालों से मिलना चाहता था मेरा वो दोस्त भी था तो मैंने प्लान किया और मैं जब कराची आया तो उसके बाद मैं पंजाब भेरा गया तो वहाँ पर जब मैं उनके घर पहुँचा तो मैंने उसी दिन उनसे ये कहा कि मुझे जाना है उसकी कब्र पर वो और उस मैं और उसका छोटा भाई जो था हम लोग गए उसकी कब्र पर जाना था हम लोगों ने वहाँ पर वो कब्रिस्तान है भेरा का बहुत मशहूर कब्रिस्तान है मियानी वहाँ पर हम लोग गए तो अभी हम लोग कब्रिस्तान में दाखिल ही हुए उसका जो छोटा भाई था उसको एक फ़ोन आ गया उसे ये कहा कि मैं फ़ोन पर बात करके आता हूँ वो सामने कबर है बिल्कुल सीधा आप जाएँगे तो मैं आ रहा हूँ खैर मैं चलता चलता अंदर आ गया मैं वहाँ पर अभी मगरब नहीं हुई थी मगरब से थोड़ा सा पहले का टाइम था मेरी एक तरफ नज़र पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ एक कबर के पास एक सजी सवरी दुल्हन बैठी हुई थी सही बिल्कुल जिस तरह पर शादी पर लड़कियाँ तैयार होती हैं जिनकी शादी होती है जो दुल्हनें बनती हैं वही लिबास था सुर्ख रंग का उसका लिबास था पूरे उसने जेवरा भी पहने हुए थे और बड़ी सजी सवरी वो कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठी रो रही थी उसकी रोने की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा जामनी दिल दहला देने वाली थी मैम मुझे बड़ा तजुब हुआ कि अल्लाह खैर करे ये सजी सवरी दुल्हन यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई है मुझे ना थोड़ा सा अजीब भी लगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतने में मैंने अपने कज़न को आवाज़ दी उसका नेम शौकत था मैंने शौकत को आवाज़ दी तो वो उसने जब मुझे देखा कि ये पता नहीं इसको क्या हुआ है उसने फ़ोन बंद किया और वो अंदर आया हम लोगों ने पलट कर देखा तो मैंने उसे बताया कि भाई यहाँ पर मैंने दुल्हन देखी है कब्र के पास बैठी रो रही है तो ये क्या माचरा है मतलब वो अकेली दुल्हन यहाँ पर कैसे आ सकती है जैसे उसने ये बात सुनी उसने ये कहा कि भाई यहाँ से चलो हम लोग कल आएँगे कब्र पर मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ तो सही ऐसा हुआ क्या है तो मुझे यहाँ से क्यों ले जा रहे हो उसने कहा कि बस आप यहाँ से भी फ़ौर बाहर निकले मैं आपको बाद में बताता हूँ उसने मुझे मेरे कज़न की कब्र तक जाने ही नहीं दिया यानी अपने भाई की कब्र तक जाने ही नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे वहाँ से बाहर ले आया बहुत डरा हुआ था फ़ौरन से बाइक पर बिठाया कोई बात भी नहीं की और घर ले आया जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या किया है वहाँ पर तुम मुझे ले कर गए हो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो मेरी जो ममानी थी उनको भी पता चला मेरे मामू का बेटा था उसने बताया कि इसने वहाँ पर वो चुड़ैल दुल्हन देखी है मोमानी ने मेरे से सारी बात पूछी मैंने उन्हें बताया कि ये फ़ोन पर बात कर रहा था जब मैं अंदर गया हूँ तो वो कबर के पास बैठी एक दुल्हन रो रही थी सजी सवरी से दुल्हन का लिबास पहना हुआ था मैंने ख़ुद उसको वहाँ पर देखा है तो मुझे तजुब हुआ और जब ये आया तो मैंने पलट कर देखा वो वहाँ पर नहीं थी तो ममानी ने बताया कि वो कोई इंसान नहीं है वो एक चुड़ैल है जो वहाँ पर घूमती है और उनके बेटे के ऊपर उसी का साया हुआ था उनका बेटा जो था यानी मेरा कज़न जिसका नेम नदीम था नदीम जो था वो रात तकरीबन साढ़े बारह पौने एक बजे के करीब अपने काम से वापस आ रहा था तो वो कब्रिस्तान के रास्ते से ही गुजर रहा था रास्ते में उसने देखा कि एक औरत फुटपाथ पर बैठी हुई थी बिल्कुल दुल्हन के रूप में सजी सवरी थी उसने जब देखा कि ये इतनी रात को एक दुल्हन सच सवर कर बैठी हुई है तो पता नहीं क्या माशा है उसके पास से गुजरने लगा तो उसने उसको आवाज़ देकर रोका और ये कहा कि मुझे ये थोड़ा सा आगे जाना है मुझे छोड़ दो तो मेरे कज़न को पता था कि यहाँ पर एक दुल्हन भटकती है मेरे कज़न ने उसकी बात नहीं सुनी और मेरे कज़न ने वहाँ से जैसे ही अपना बाइक चलाना स्टार्ट किया तो वो उसके पीछे लग गई यानी इसने मेरी बात नहीं सुनी वो चुड़ैल उसके पीछे लग गई फिर वो हर रात उसको नज़र आती थी जब भी वो काम से आता था जिस रास्ते जिस सड़क से आता था वो वहाँ पर उसको नज़र आती थी उसने अपने घर पर आना शुरू किया कि इस तरह से मेरे साथ तो ये मामलात शुरू हो गए हैं उसने मुझे आवाज़ दी थी मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी लेकिन उसके बाद वो मेरे पीछे लग गई है मैं जब भी काम से वापस आता हूँ चाहे मैं इशा के वक्त आऊँ इशा के बाद आऊँ वो मुझे दिखाई देती है जिस रास्ते से भी मैं गुजरता हूँ वो मुझे नज़र आती है मैं आज तक कुर्सी पड़ता हूँ और वो ग़ायब हो जाती है उनके घर वालों ने जब उसका इलाज करवाना शुरू किया तो एक आमिल थे उन्होंने उसकी हाज़िरी करवा दी उसके ऊपर हाज़री करवाई तो उसको दौरे पड़ने लग गए जैसे उस मखलूक की मेरे क़़न पर हाज़िरी हुई उसके बाद उस चुड़ैल ने उसकी जान नहीं छोड़ी यहाँ तक कि बहुत इलाज करवाया हर जगह पर जाते थे जिस शहर में पता चलता था जाते थे उसको दौरे पड़ते थे उसके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते थे आंखें सफ़ेद हो जाती थी सारी सारी रात वो रोता रहता था घर से बाहर निकल जाता था अजीब हालत थी उनके घर की ये सारी बातें हमें वहाँ पर पता चलती रहती थी तो फिर एक जगह से इलाज करवाया तो कुछ दिन उसके जो दौरे पड़ रहे थे उनमें कुछ गैप आया तो उनके घर वालों ने आमिल के कहने पर उसका रिश्ता तय कर दिया जैसे शादी में एक माह था त्यारियाँ अरूज पर थी तो एक रात वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया ठीक हो गया दौरे भी ठीक हो गए घर से कहीं बाहर निकला तो रास्ते में उसको अपने दोस्तों के साथ था तो रास्ते में जब वो घर वापस आने लगा तो उसको एक खातून मिली वो दुल्हन के रूप में नहीं थी सादा रूप में थी और उसको आ, उसे कुछ पैसे वगैरह मांग रही थी जैसे मांगने वाली होती हैं उसने निकाल कर पैसे दे दिए उसने कहा कि मेरा छोटा सा बच्चा है वो गिर गया है और वो सामने है उसको मेरे घर तक तो पहुंचा दो मेरे कज़न ने कहा कि ठीक है पैसे भी दे दिए मैं इनकी मदद कर देता हूँ देखा तो एक बच्चा छोटा सा था ज़ख्मी था उसको उठाकर कर जैसे वो उनके घर की तरफ जाने लगा वो उसको लेकर कब्रिस्तान वाले रास्ते पर चल पड़ी मेरे कज़न को तो सख्ती से आमिल ने मना किया था कि तुमने कब्रिस्तान वाले रास्ते पर नहीं जाना जैसे वो कब्रिस्तान के पास गया तो मेरे कज़न ने उस औरत से कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है मुझे मना है उसने बड़ा इसरार किया नहीं बस यहाँ थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे मैं इसको उठा नहीं सकती ये वो तो वो जब वो कब्रिस्तान की हदूद में पहुँचा यानी जहाँ से कब्रिस्तान शुरू हो जाता था उसको फिर दौड़ना पड़ गया वो जो औरत थी वो ग़ायब हो गई और वहाँ पर वो चुड़ैल दुल्हन जो थी वो वहाँ पर उसके सामने आ गई मेरे कज़न ने जब उसको देखा उसकी हालत ख़राब हो गई उसे दौरा पड़ गया वो बेहोश हो गया घर वाले ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि हमने उसको फलां साइड पर जाते देखा था उस तरफ गए तो आगे वो कब्रिस्तान था वहाँ पर वो कब्रिस्तान के अंदर बेहोश पड़ा मिला जब उसको वापस लेकर आए घर उठा कर लाए फिर आमिल से रब्ता किया तो आमिल ने यह कहा कि मैंने आपको मना किया था कि इसको कब्रिस्तान की तरफ़ नहीं आपने जाने देना कि वो मखलूक वहाँ पर मौजूद है और अगर ये हदूद में भी गया तो इसको मार देगी बड़ी कोशिश की उसके बाद उसे जब होश आया तो बताया गया कि उसने सारी बात बताई कि इस तरह से मुझे तो एक औरत मदद मांग रही थी पहले उससे मैंने पैसे दिए उसके बच्चे को लेकर जा रहा था लेकिन वहाँ पर जाते साथ मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वो ग़ायब होगी और वहाँ पर वो दुल्हन निकल कर मेरे सामने आ गई फिर उस मखलूक ने उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देना शुरू कर दी उसका बुखार नहीं उतरता था उसे वॉमटिंग बहुत ज़्यादा आती थी कुछ खा पी नहीं सकता था हर तरह के इलाज हुए तो सारी रात वो चुड़ैल दुल्हन जो थी उसको दिखाई देती थी दुल्हन के रूप में आती थी उसके पास बैठ के रोती रहती थी और मेरी ममानी बताती हैं कि जब उसने उसके फौत होने से कुछ दिन पहले उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा बिलियाँ रोती थीं और एक कुत्ते के रोने की भी आवाज़ सुनाई देती थी उसके बाद उस मखलूक ने उसको नहीं छोड़ा यहाँ तक कि एक दफ़ा वो अपने कमरे में ही उसके चीखों पुकार सुनाई दिए तो जब जाकर देखा तो उस मखलूक ने उसको मार दिया था जब हम लोगों ने यह बात सुनने में बहुत दुख हुआ किस तरह से वो मखलूक वो चुड़ैल उस पर उसके पीछे लग गई और उसने उसको मार के ही सांस लिया फिर जब उसकी तदफीन हो गई उसके बाद भी वही चुड़ैल दुल्हन जो थी वो उसकी कब्र पर भी दिखाई देने लग गई गोरकर ने लोगों को आकर बताया कि यहाँ से अक्सर मुझे रोने की आवाज़ें आती हैं तो जब मैं जाकर देखता हूँ तो सुर्ख जोड़े में एक दुल्हन यहाँ पर बैठी मुझे नज़र आती है मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ मैं उसके करीब नहीं जाता क्योंकि इतनी रात को कोई इंसान तो कब्रिस्तान में दो तीन बजे आता नहीं है और वो मुझे नज़र आती है रोती रोती वो ग़ायब हो जाती है कभी पायलों की आवाज़ आती है कभी चूड़ियों की आवाज़ आती है जब मैंने ये सारी बातें सुनी मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया कि मैंने ख़ुद वहाँ पर उसको देखा था मैंने चेहरा नहीं देखा था मैंने सुर्ख लिबास में बैठे देखा था और ज़ेवरात देखे थे फिर उसके अगले दिन हम लोग दोबारा हम लोगों ने कब्रिस्तान जाना था हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग सुबह के टाइम जाएंगे जैसे हम लोग कब्रस्तान वहाँ पर गए मैंने अपनी कज़न की कब्र पर जाना था वहाँ पर हम लोग गए फात खानी की उस वक्त हमें वो वहाँ पर नज़र नहीं आई जैसे हम लोग वहाँ से वापस आने लगे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाकर हम लोगों की तरफ़ फेंके हों। बायदा वो पत्थर हम लोगों के पैरों में आकर गिरे मैंने भी वो पत्थर देखा मेरे कज़न ने भी हमने जब पीछे पलट कर देखा इतना उसका खौफनाक चेहरा था उसका छोटा सा कद था पूरे जिसम पर बाल ही बाल थे बहुत लंबी जुबान थी कोई गैरमरी मखलूक थी एकदम वो हमें एक कबर के पीछे से नजर आई और वो गायब हो गई बस वो मंसर बहुत भयानक था हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया वो जगह वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्ात मशहूर भी हैं और बहुत से लोग इस बारे में जानते भी हैं बल्कि इसके अलावा भी मैंने वहाँ पर ये कहानी सुनी है कि वहाँ पर भेरा में जो लोग भेरा से बिलोंग करते हैं वो जानते भी होंगे कि वहाँ पर मशहूर है एक चुड़ैल दुल्हन मशहूर है वो अक्सर सर्दियों की रातों में भटकती है गलियों में उसकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं मैं वहाँ पर सिर्फ दो से तीन दिन मजीद रुका और मैं वहाँ से वापस आ गया ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता और मैं कभी इसको भूल भी नहीं सकता मुझे इतना इतना खौफ आता है जब मुझे ये बात याद आती है ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया हामिद आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी हिरा शेयर कर रही है हिरा कहती है मैं पिंडी की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ आज से छः साल पहले की बात है हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया वो घर जो था काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था यानी काफ़ी बड़ा उसका सहन था फिर उसके आगे उसका गेट था तो अभी हम लोगों को उस घर में शिफ्ट हुए हुए कुछ दिन ही हुए थे तकरीबन महीना होने वाला था सब कुछ नॉर्मल था जैसे ही हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए नवंबर था उसके बाद दिसंबर शुरू हो गया बहुत सख्त सर्दी होती थी तो हम लोगों ने वहाँ पर जो बरामदा सा बना हुआ था उसके आगे पर्दे वगैरह लगाए हुए थे शाम होते ही हम लोग अपने कमरों में चले जाते थे एक रात की बात है बहुत सख्त सर्दी थी हम लोग सब अपने अपने कमरों में थे दादी अम्मा हम लोगों के साथ सोया करती थी और मेरे अबू और भाई दूसरे कमरे में सोते थे तो एक रात तकरीबन दो अढ़ाई बजे का टाइम होगा हम लोगों के गेट पर दस्तक होने लग गई यानी हम लोगों का गेट कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था हालाँकि हम लोगों की गेट बेल भी थी लेकिन वो गेट बेल किसी ने नहीं बजाई गेट को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था इतनी ऊंची आवाज़ थी कि हम लोग वो आवाज़ सुनकर जाग गए तो जब हम लोगों ने आवाज़ सुनी कि इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है टाइम देखा तो अढ़ाई बजे का टाइम था दादी अम्मा भी उठी हम लोग भी उठे अम्मी जाग गई अबू जाग गए कि बाहर पता नहीं कौन है सहन में ही खड़े होकर अब्बू ने पूछा कि बाहर कौन है कोई आवाज़ आगे से नहीं आई दोबारा पूछा कि बाहर कौन है कोई भी आवाज़ नहीं आई और बार बार कोई गेट खटखटा रहा था जैसे अबू गेट के पास जाने लगे तो दादी अम्मा ने मना कर दिया कि गेट नहीं खोलना पता नहीं कौन है और कौन नहीं वापस आ जाओ अबू ने दरवाज़ा नहीं खोला आ, दादी अम्मा ने मना कर दिया हम लोग दोबारा कमरों में चले गए क्योंकि दो दफ़ा पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था उसके बाद थोड़ी देर गुजरी फिर दरवाज़ा दर्वा, बार बार कोई खटखटाने लग गया हम लोगों ने फिर जाकर दरवाज़ा नहीं खोला इसी तरह से सुबह हो गई सुबह जब जागे सब तो हम लोगों के सहन में अजीबों गरीब पाँव के निशान लगे हुए थे पाँव के निशान ऐसे थे जैसे थे किसी जानवर के ही पाँव के निशान जैसे पंजे होते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके पंजे हैं और ये कौन सा जानवर है ना बिल्ली के पाँव के निशान थे बिल्ली के बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े निशान थे पैरों के दादी अम्मा ने कहा कि छोड़ो इस चीज़ पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग सहन में ही चारपाइया बिछा कर धूप में बैठा करते थे मगरब से पहले हम लोग सारी चारपाइयाँ वगैरह उठा देते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो अभी मगरबी हुई थी हम लोग सब किचन में बैठा करते थे खाना वहीं पर बन बनता था और वहीं पर बैठ हम लोग खाना खाते थे उसी तरह से दरवाज़ा किसी ने दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया बेल नहीं हुई मग़रब के बाद की बात है ईशा होने वाली थी तो अबू भी घर पर नहीं थे मेरे भाई भी घर पर नहीं थे मैंने दादी अम्मा मैं से कहा कि मैं देख कर आती हूँ जैसे मैं बाहर निकली बहुत धुंध थी बाहर जब मैं गेट के पास आई तो मैंने पूछा कि बाहर कौन है मुझे बिल्कुल छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई यानी बहुत छोटा जो बच्चा होता है उसके रोने की आवाज़ आई अब मैंने डर के मारे गेट खोला के पता नहीं बाहर कौन है जैसे गेट खोल कर मैंने थोड़ा सा देखा बाहर कोई भी नहीं था जब मुझे बाहर कोई खड़ा नज़र नहीं आया तो मैंने थोड़ा सा गेट और खोल कर बाहर झाँक कर देखा गली में कोई भी नहीं था अब मैं गेट बंद करके जैसे वापस पलटी फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और वही बच्चे के रोने की आवाज़ आई मैं भागती हुई किचन में आई मैंने आकर अम्मी को बताया अम्मी और दादी अम्मा उठकर बाहर आई जैसे ही हम लोग भी उनके साथ थे हम लोग बाहर आए गेट कोई खटखटा रहा था और बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी तभी हम लोगों की नज़र पड़ी तो गेट के साथ वाली दीवार पर हम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को बैठा देखा उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्रोमना था बहुत ड्रोमना चेहरा था उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर के ऊपर सींग है बहुत ड्रावनी उसकी शक्ल थी बस वो देखने की देर थी हम लोग बहुत खौफसदा हुए हम लोग तो अंदर की तरफ भागे मेरी दादी अम्मा ने आतल कुर्सी पड़ी और ऊँची आवाज़ में ये कहा कि हमें तंग मत करो तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ वो बुज़ुर्ग थी इबादत गुजार थी उन्होंने जब ये बात कही तो थोड़ी देर के बाद वो रोने की आवाज़ें बंद हो गई रात को जब अबू आए तो दादी अम्मा ने ही जाकर दरवाज़ा खोला अबू को भी सारी बात समझाई कि कोई भी रात को दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़े के पास नहीं जाना ये कुछ जिन्नात हैं जो शरारत कर रहे हैं और हमें तंग कर रहे हैं वही रात का मंज़र आधी रात का टाइम ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और साथ कभी बच्चों के हंसने की और कभी रोने की आवाज़ें आती थी अगली सुबह जब हुई तो अबू ने कहा कि मैं जाकर एक दफ़ा इमाम साहब से बात करता हूँ कि वो हमें बताएं कि ये क्या माशरा है अबू जब गए उन्होंने मौलवी साहब से बात की वो भी बुज़ुर्ग थे मौलवी साहब मौलवी साहब जब आए उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि आपके घर के बाहर ये जो बेरी का दरख्त है इसके ऊपर जन्नात है यहाँ पर जन्नात का पूरा घर आना रहता है पूरा ख़ानदान रहता है तो बास जन्नात के बच्चे ऐसे होते हैं जो शरीर होते हैं शरारती होते हैं तो वो आपको तंग कर रहे हैं आप लोगों ने इन पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी ना ही आपने इस दीवार के पास कोई खाने पीने की चीज़ें रखनी है और ना ही आपने मगरिब के बाद इस तरफ ज़्यादा आना है जिस तरफ ये बैरी का दरख्त है वरना ये जन्ात आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम लोगों ने सारी एहतियात की लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को वो जन्ात वहाँ पर रहने नहीं देते थे पत्थर फेंकते थे शाम के वक्त सहन में पता नहीं वो कैसे कैसे पत्थर होते थे अजीबो गरीब बड़े बड़े और छोटे साइज़ के पत्थर पहाड़ी पत्थर जैसे होते हैं वो होते थे इसके अलावा सहन में अजीब वरीब पैरों के निशान होते थे और रोज़ जैसे परिंदों को कोई खाकर फेंकता है ऐसे परिंदों के पर और गर्दने पड़ी मिलती थी हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए अक्सर रात के वक्त दरवाज़े पर दस्तक होती थी अगर दस्तक नहीं भी होती थी तो बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास रहता था क्योंकि सर्दियों में हम लोग अपने कमरों में होते थे लेकिन बाहर बकायदा चीज़ों के साथ छेड़छाड़ होती थी कभी कुर्सियाँ किसी तरफ रखी होती थी तो मिलती कहीं से थी जो चारपाइयें हम लोग बरामदे में खड़ी करते थे वो चार पाइं बाहर सहन में पड़ी मिलती थी तो जब ये वाक़ हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए तो फिर हम लोग उस घर में नहीं रह सके हम लोगों ने तीन माह के बाद वो घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था वो जन्ात बहुत ज़्यादा तंग करते थे तो ये हम लोगों के घर की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया हिर आपका डिस ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नशीन मिल्ग फिफ्टी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर जो मैंने नावल पोस्ट किया है चार आते हैं उसको विज़िट करें इन बहुत जल्द वहाँ पर मैं हॉर स्टोरीज़ और नावल स्टार्ट कर दूँगी नुशीन डेली रूटीन पर मैंने कल भी व्लॉग पोस्ट किया था और मैं आज भी व्लॉग पोस्ट करूँगी उसको भी विज़िट करें नीला वॉइस ऑफिशियल एंड हॉरर नॉवल ऑफिशियल मेरी सिस्टर के चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मेरे भाई जो लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्होंने रियल घोस्ट स्टोरीज चैनल बनाया है उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा इन शाला कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ड अल्लाह ने